ये है शॉर्ट सी वीडियो जो कि है बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन कि यूपीआई पे जो 1 अप्रैल से ट्रांजेक्शन होने वाली है उस पर क्या चार्जेस है उसके बारे में। तो जैसे शुरू से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आप सब डरिए मत, ये सिर्फ जो है बिजनेस वालों के लिए है, जिनका बिजनेस गूगल पे है या बिजनेस फोन पे है या बिजनेस पेटीएम है उनके लिए है। आप जो हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, जितनी मर्जी आप ट्रांजैक्शन करें बिल्कुल फ्री है। और जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए आप जरूर सुनिए, उनके लिए जो ट्रांजेक्शन है जो चार्जेस 1% लगेगे वो लगेंगे वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर। मान लीजिए आपका पेटीएम वॉलेट में पैसे पड़े हैं और आप पेटीएम दूसरे बंदे के पेटीएम वॉलेट में भेज रहे हैं तो उसके ट्रांजेक्शन के पैसे लगेंगे। अगर आप बैंक यूपीआई से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब पेटीएम यूपीआई से सामने वाले यूपीआई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ऐसे ही फ़ोन पे वॉलेट से वॉलेट में कर रहे हैं तो चार्जेस लगेंगे, नहीं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगी। तो ये चीज़ मैं क्लियर करने आया क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में डाउट चल रहा है कि भाई 2000 से ऊपर ट्रांजेक्शन पे हमारे चार्जेस ना लग जाए, तो लोग थोड़ा डर रहे हैं अभी ट्रांजेक्शन करने से। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये वॉलेट ट्रांजेक्शन पे अभी चार्जेस है, अभी आपके यूपीआई पे कोई चार्जेस नहीं है। बिजनेस वाले वो ये ध्यान रखें सिर्फ वॉलेट चार्जेस है, यूपीआई पे चार्जेस नहीं है। अगर आप पेटीएम वॉलेट से वॉलेट में ट्रांसफ़र करें तो चार्जेस है, और फोन पे वॉलेट से वॉलेट में ट्रांसफ़र करें तो चार्जेस है 2000 के ऊपर, वैसे कोई चार्जेस नहीं है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा वीडियो ताकि लोगों को पता चले और लोग करना कम करेंगे। भी चार्जेस यूपीआई पे सब पे नहीं लगे, यूपीआई पे कोई चार्जेस नहीं है, वो वॉलेट के चार्जेस है। बाय बाय।